तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में नई शिक्षकों की वैकेंसी जिसमें आपको BA TTE अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, ऐसी पदों की वैकेंसी निकाली गई है उत्तराखंड में, जिसके लिए आपकी जल्द ही तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए विभाग ने बताया है जल्द ही यहाँ पर जो है इनके विज्ञापन भी निकालने की तैयारी पूरी कर ली है, और ये भर्ती जो है आपके आउटसोर्स के आधार पर निकाली, जिसमें इसमें आपका BRP CRP है, अकाउंटेंसी का भी पोस्ट आपका होंगे। लगभग आपके टोटल यहाँ पर 900 के करीबन पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इनका चयन प्रक्रिया थोड़ा सा हटके होने वाला है आपके लिए, ठीक है, और जल्द ही इसके आवेदन भी हो जाएंगे। और चयन प्रक्रिया अगर बात करूँ तो इसमें कुछ हटके होगा, कई लोग यहाँ पर जो है जो BA TTE वाले हैं उनको फ़ायदा मिलेगा इसमें ज़्यादातर, और ज़्यादातर जो पोस्ट होंगी सब कुछ आपको BEd वालों को ही लिए होंगे इसमें, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षक का काम होता है यहाँ पर इन पदों पर, BRP CRP इनका काम, कई लोग पूछ रहे किस तरह का होता है, ज़्यादातर आपके जो डाटा होता है स्कूलों के रिगार्डिंग तो वो रखा जाता है इसमें इनके पास। तो जितने भी फाइलें हैं और विषयवार जितनी भी चीज़ें आती हैं स्कूलों में जो यहाँ पर जो है होती है इधर से उधर ब्लॉक लेवल पे या आपका, ठीक है, संकुल लेवल पे, तो वो सारा का काम जो है ये शिक्षक करते हैं। अब तक के यहाँ पर जितने भी काम करते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट शिक्षक करते थे, लेकिन पहली बार ही यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं जो आपके अब आउटसोर्स के माध्यम से शिक्षक करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे शिक्षक करेंगे जो यहाँ पर BA TTE इनकी ट्रेंड टीचर्स होंगे, यानी कि आपके पास BEd होना जरूरी होगा इन शिक्षकों के लिए, ठीक है। ये कलर के लेवल की पोस्ट नहीं, क्योंकि कलर का अलग चीज़ होंगी और ये अलग चीज़ें रहती हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपकी रहती है। और साथ में यहाँ अकाउंटेंसी की पोस्ट भी रहने वाली है इसमें बताया गया है, जिसमें न्यूज़पेपर में निकाला गया है। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो रही कि 3 से 15 पद इसमें अकाउंटेंसी के रहेंगे, लेकिन इसमें अभी क्वालिफिकेशन को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। जो अपडेट है आपका जो BRP CRP के पोस्ट है, जिसमें आपका यहाँ पर BRP के 285 के पोस्ट बताए जा रहे हैं। हालांकि जब आएंगे इसका नोटिफिकेशन, जब उसमें ऊपर नीचे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। CRP के लगभग 670 के हैं, ये भी आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा। और न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो न्यूज़पेपर वालों ने किसान छापा है देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें कहा गया है DG शिक्षा बंजिता तिवारी ने बताया है कि BRP CRP की जो नियुक्ति है बेसिक और यहाँ पर जूनियर स्तर के शिक्षक और यहाँ पर शैक्षिक योग्यताओं के लिए यहाँ पर की जा रही है, यानी कि बेसिक स्तर पर और यहाँ जूनियर स्तर पर, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ था, ठीक है, दो तरह के होंगे, जिसमें आपका प्राइमरी लेवल 1 to 5 का होगा और यहाँ पर 6 to 12 तक का होना है, ठीक है, माध्यमिक लेवल का। इसमें बताया गया है स्नातक BEd है और TT प्रमाण पत्र जरूरी योग्यता रखा गया है। हालांकि जो मैंने आपको नोटिस दिया है उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन रखा भी गया है, ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई वो कह नहीं सकते, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तक के लिए होगा, क्योंकि वो प्रस्ताव अभी रखा गया सरकार यहाँ विभाग के द्वारा। और इसमें आप देखते हैं कि जो न्यूज पेपर में रखा वो इस तरह स्नातक रखा गया है, और मेरे हिसाब से स्नातक ही सही होना चाहिए, स्नातक रखा जाना चाहिए, BEd होना चाहिए या TT होना चाहिए इन पर, ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर जो है हो सकता है कि BRP के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन हो और इसके लिए CRP के लिए ग्रेजुएशन हो, क्योंकि अपर अब ये ऊपर नीचे पोस्ट रहती है इनकी बच्चे वैसे तो। साथ में ये भी कहा गया कि MPhil PhD जैसे यहाँ पर उच्च शिक्षा जो योग्यता वाले हैं अभ्यर्थी हैं उनको अतिरिक्त तो वेटेज मिलेगा दिया गया, ठीक है। अब ये वेटेज का भी उसमें तो लिखा नहीं गया था, लेकिन हो सकता है कि ये भी दे, ठीक है, ये जो नोटिस आएगा उस पर क्लियर होगा। इसमें बताया गया कि फिलहाल जो MPhil होंगे या जिन्होंने PhD करा होगा उनको यहाँ पर जो है वेटेज मिलेगा, यानी कि कुछ नंबर कुछ गुणांक आपका मिलने वाले हैं। अब पूरा का पूरा जो चयन प्रक्रिया होनी है वो मेरिट बेस पर होनी है, यानी कि आपका कोई पेपर होना है, एग्जामिशन नहीं होना है। अगर एग्जामिशन करते तो सबको काफ़ी अच्छा मौका मिलता है, लेकिन आप एग्जामिशन नहीं होना है इसमें, सीधे सीधे जैसे आपका गेस्ट ऑनर के लिए मेरिट बनती है आपके गुणांक के आधार पर, और उसी हिसाब से आपका यहाँ पर ये आपके बनेंगे। और आउटसोर्स जो है शिक्षा विभाग खुद ही कर सकता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। इसके लिए अगर कोई एजेंसी चुनती है तो अलग बात है, नहीं तो मेरे ख्याल से शिक्षा विभाग खुद ही यहाँ पर ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भर्ती करवा सकता है जहाँ तक है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कहा गया कि एडमिट में निर्णय लिया गया है और ये सब कुछ जो है आपको प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। और शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने भी कहा है कि BRP CRP के साथ ही मुझे अन्य पदों की भर्ती भी जल्द शुरू की जाएगी, तो अन्य पदों की भर्ती भी जल्द होने वाली है, यानी कि जो शिक्षा भर्ती हैं, क्योंकि शिक्षा भर्तियां भी आपकी होनी है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता मानक वही होंगे जो यहाँ पर एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है, तो शिक्षक के लिए, क्योंकि यहाँ पर काम ही ये शिक्षक के लिए होता है। कई लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो है BA TTE क्यों रखा गया है, क्योंकि BA TTE अति आवश्यक है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षक का कार्य ये होता है जो कि विषय संबंधी जो शिक्षक होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो विषय संबंधी ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो जो कई लोग ऐसा होता है कभी पेपरों का जो है छप सेट करना है या कुछ अगर चीज़ें हैं वो सारा कुछ वो भी करते हैं कई लोग, तो उनको जो है विषय संबंधी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी विषय संबंधी ज्ञान पता होगा तो उस पर कार्य कर पाएगा, नहीं तो ये काम कलर के भी कर सकते थे। इसीलिए कलर को नहीं रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि BRP CRP का मतलब है वहाँ पर शिक्षक ही रखने जाने हैं, ठीक है। इनके लिए कोई कलर की पोस्ट नहीं है, ये शिक्षकों की पोस्ट है, ठीक है। तो इस वजह से आपके शिक्षक ही रखे जाने हैं यहाँ पे, और जिनको यहाँ पे जो है BA TTE होना जरूरी है, ठीक है। अकाउंटेंसी के लिए भी आप कई लोग पूछ रहे क्या होगा इसमें, तो आज ही आ रखा है इसका जो ज़्यादा डिटेल में तो इसका पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर में आज रखा गया है, तो होगा कि BA TTE इसमें भी
रखा जाएगा। बाकी जो अकाउंटेंसी और जिनका कॉमर्स साइड होगा उनके लिए मौका मिल सकता है 315 रुपये, ठीक है, उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी साइंस वाले भरेंगे, पीसीएम मैथ वाले अलग भरेंगे, एसएसटी वाले अलग भरेंगे, सबके लिए विषय वाले ही निकलने वाले, क्योंकि शिक्षकों की पोस्ट है ये ओनली, ठीक है। लगभग लगभग 40,000 के करीब इसमें सैलरी मिलेगी आपको, ये पूरा पूरा तय है, लगभग 40 से अब भी मिलेगी, 40 से नीचे मिलना मुश्किल है इसमें, ठीक है। तो ये आपका न्यू वाली है, और जो कि मैंने आपको बताया लगभग लगभग जो प्रस्ताव थे फिलहाल, जो अभी प्रस्ताव रखा गए हैं, अभी कोई ऑफिशियल नहीं, क्योंकि भर्ती पहली बार आ रही है, जब तक कि ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक कंफर्म नहीं कह सकता कि यहाँ पर जो है ये सब कुछ सही होगा, क्योंकि फिलहाल तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने बता रखा है अभी तक के नोटिफिकेशन, जितने भी मैंने बता रखे हैं सारे के सारे अभी तक प्रस्तावित ही रखे गए हैं, ठीक है। कन्फर्म अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक के लिए कन्फर्म नहीं हो पाएगा ये।